नमस्कार, मैं संस्कृत अध्यापक SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम NCERT पुस्तक रुचिरा कक्षा सप्तम षष्ठ पाठ है सदाचार है अच्छा आचार पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में नीति संबंधित बातें कही गई हैं। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम बंधु है। मृत्यु कृषि की प्रतीक्षा नहीं करती, मनुष्य को समय रहते हुए कार्य पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार सदाचार अच्छे आचरण की कुछ बातें इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु नास्ति उद्यम समो कृत्वा यमनावश्यति। कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु अस्ति। आलस मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु नय अस्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा मनुष्य न अवसिद्धति, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाने चाप्राहनिकम न ही प्रतिक्षेदे मृत्यु कृतमस्य न वा कृतः। कि स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत है, स्वय कल के काम को अद्य आज कुर्वीत करना चाहिए। अपराहनिकम च पूर्वाने कुर्वीत है ही मृत्यु ने प्रतिक्षेदे अस्य है कृतम न वा कृतम। कि आने वाले कल का काम आज करना चाहिए, दोपहर के काम दोपहर से पहले करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम च नानतम बुरियात एष धर्म है सनातन है। कि सत्यम बुरियात शत्रु सत बोलना चाहिए, प्रियम बुरियात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम ने बुरियात अप्रिय सत नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च अनर्थम ने बुरियात प्रिय लगने वाला असत नहीं बोलना चाहिए। एष है धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारेशात औदार्यम सतता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम ने कदाचन है। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सतता तथा ऋजुता मृदुता चापि स्यात् कदाचन कौटिल्यम ने स्यात्। व्यवहारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता सत्यता तथा ऋजुता सरलता मृदुता कोमलता भी हो, कदाचन है कौटिल्यम ने स्यात् कुटिलता कभी नहीं हो, कदाचन है कभी भी कौटिल्यम कुटिलता न स्यात् न हो। कि व्यवहार में हमेशा सत्यता उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी हो, कुटिलता कभी नहीं हो। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन है इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। कि मित्रेण कलहं कृत्वा जन है कदापि सुखी न भवति, अतः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र के साथ कलहं कृत्वा झगड़ा करके जने कदापि सुखी न भवति, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। अतः इसलिए ज्ञात्वा प्रयासेने तदेव परिवर्जित, यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक उसे यानी झगड़े को से बचना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सप्तम सदा। सदा गुरु मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जन्म अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम भवेत सततम सेवेत। सदा हमेशा गुरुम गुरु मातरम माता पितरम पिता तथा श्रेष्ठ जन्म तथा श्रेष्ठ व्यक्ति अपि मनसा वाचा कर्मणा मन से कर्म से और वचन से सततम सेवेत निरंतर सेवा करनी चाहिए। हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।